गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब? तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है आज। हम बेटा अपने चैप्टर जो 15 था वो हम पढ़ चुके थे। चैप्टर पंचदश है, पाठ है जो 15वां पाठ है वो क्या है? मम अग्रजा। इसका हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, हिंदी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी। मम अग्रजा का मतलब मेरी बहन। अग्रजा क्या होती है? बड़ी बहन। अनुज छोटा भाई होता है, अग्रज बड़ा होता है, तो अग्रजा बड़ी बहन। मम अग्रजा मेरी बड़ी बहन। तो आज इस चैप्टर का हम अभ्यास कार्य करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें दिया है तुमन प्रत्यम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तुमन प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थान पूर्ति करो। तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है किम त्वम एतत् पुस्तकम ब्लैंक वांछसि। किम का मतलब क्या, त्वम का मतलब तुम, क्या तुम यह पुस्तक। अब ब्रैकेट में दिया है पठ प्लस तुम। प्रश्न नंबर 2 पाठ है हमारा 15, चैप्टर 15 है, पाठ 15 अभ्यास का है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या करना है, तुम उन प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पठ धातु है, पठ में तुम उन प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बनेगा, पठी तुम। तो इसने क्या कहा है, क्या तुम यह पुस्तक पढ़ना चाहते हो। वांछसी का मतलब चाहना, तो यहाँ पठ प्लस तुम को हम जोड़ेंगे। ये ब्रैकेट में दिया है पठ प्लस तुम, ठीक है। शब्द क्या हो गया, पठितुम। क्या बन गया, पठितुम। तो यहां हम लिख देंगे पठितुम। किम त्वम एतत् पुस्तकम पठितुम वांछसि, क्या तुम यह पुस्तक पढ़ना चाहते हो। सेकंड है स हिमाचल प्रदेशम ब्लैंक वांछति, वह हिमाचल प्रदेश। अब गम का मतलब गम धातु, गच, गच का मतलब गम का मतलब जाना। क्या तुम हिमाचल प्रदेशम, वह हिमाचल प्रदेश जाना चाहता है। तो गम प्लस तुम क्या बन गया शब्द, गंतुम। गम धातु है, तुम प्रत्यय है, शब्द क्या बन जाएगा, गंतुम। गंतुम का मतलब जाना। क्या वह हिमाचल प्रदेश जाना चाहता है। नेक्स्ट बाला भोजनम ब्लैंक वांछन्ति। बाले बालों बाला हा। तो बहुवचन आ रहा है, वांछन्ति चाहते हैं, बच्चे भोजन। खाद धातु, खाद का मतलब खाना, खाद प्लस तुम क्या हो जाएगा, खादितुम। खाद प्लस तुम शब्द क्या हो गया, खादितुम। नेक्स्ट अहम कंदुकेन खेलितुम वांछामि। कंदुकेन का मतलब गेंद से, मैं गेंद से खेलना चाहता हूँ। खेल धातु, शब्द क्या बन जाएगा तुम प्रत्यय जोड़ने से, खेलितुम। मैं गेंद से खेलना चाहता हूँ। तो खेल प्लस तुम शब्द क्या बना, खेलितुम। खेल प्लस तुम शब्द बन गया खेलितुम, ठीक। और इसका लास्ट है छात्रौ अनुच्छेदम ब्लैंक वांछत। लिख धातु, लिख का अर्थ क्या होता है, लिखना। दो छात्र हैं, वो अनुच्छेद लिखना चाहते हैं। तो यहां लिख प्लस तुम शब्द क्या बन गया, लिख प्लस तुम क्या बना, लेखितुम।
पठितुम, गंतुम, खादितुम, खेलितुम और लेखितुम, ये बन गए तुमन प्रत्यय का प्रयोग करने से। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, मधुरिमा कक्षायाम किम स्थानम अधिगस्ति, मधुरिमा है वो कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान प्राप्त किया है उसने, प्रथम, तो यहां हो जाएगा प्रथमम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, प्रथमम। देखिए प्रश्न नंबर थर्ड करेंगे हम, तो इसका थर्ड का फर्स्ट आंसर है हमारा पहला स्थान का। सा माधवाय कानी आने थी, वह माधव के लिए क्या लाती है, तो कानी पुस्तकानी, कानी की जगह क्या आएगा, पुस्तकानी, ये इसका उत्तर होगा, पुस्तकें लाती है। सा किम चालयति, वह क्या चलाती है, साइकिल चलाती है, तो साइकिल को संस्कृत में क्या कहेंगे, द्विचक्रिका, साइकिल, द्विचक्रिका, दो चक्र वाली साइकिल। माधवस्य औकी गृहं कुत्र अस्ति, माधव की औकी का मतलब बुआ जी, तो माधव की बुआ का घर कहाँ है, कहाँ पर है, आगरा नगरे, आगरा नगर में, शहर में आगरा में, आगरा नगरे। और फिफ्थ है इसका, माधव केन यात्रां कर्तुं वांछति, माधव है वो किससे यात्रा करना चाहता है, तो रेल याने, केन की जगह क्या लग जाएगा, रेल याने, रेल से यात्रा करना चाहता है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट, प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें क्या दिया है, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो क्या करना है हमें, अहम ब्लैंक अग्रजा अस्मि, मैं अग्रजा हूं, बड़ी बहन हूं, किसकी, तुम्हारी, तो यहां क्या आएगा, तव। प्रश्न नंबर फोर का फर्स्ट इसमें आ जाएगा तव, मैं तुम्हारी बड़ी बहन, अहम ब्लैंक पुस्तकानी यानी यानी, मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लाती हूँ, लाई हूँ, तो तुम्हारे लिए, लिए में क्या जाएगा, तुभ्यम। क्या आएगा, तुभ्यम, तुम्हारे लिए। अहम ब्लैंक दूरम न गच्छामि, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ, जाती हूँ, तो अलग होने में दूर के लिए क्या आएगा, त्वत, तुमसे दूर नहीं, त्वत। अहम ब्लैंक संज्ञा में, मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, प्यार करती हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, तवई, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, स्नेह करती, तवई। ये ऊपर हमें हेल्प बॉक्स से देख रहे हैं, शब्दों को फिल करना है। नेक्स्ट फिफ्थ में, अहम ब्लैंक सह खेलामी, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, सह, सह में क्या आएगा, तृतीय विभक्ति, तव्या। उसके बाद ब्लैंक, मम प्रिय अनुजय असी, तुम मेरी प्रिय अनुजय, तुम मेरे प्रिय छोटे भाई हो, अनुज हो, तो तुम अनुजय भाई के लिए, अनुजा बहन के लिए, तुम मम प्रिय अनुजय असी, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो, प्रिय भाई हो। अहम मैं क्या करते हूँ, त्वाम पाठ्यामि, तुम्हें पढ़ाती हूँ,
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, उचित पदम रिक्त स्थाने लिखत। उचित पद से रिक्त स्थान में उचित पद लिखना है हमें। इधर दे रखे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फिर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें जो सही ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। तो इसमें दिया है ऐसा ब्लैंक अम्बा अस्ति, यह मेरी माताजी है। तो यहाँ क्या आएगा, मम, फर्स्ट में आएगा मम। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, ऐसा मम अम्बा अस्ति, फिर है अम्बा ब्लैंक सिनेपी। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, जो अम्बा है वो मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है, मई। इसमें ऑप्शन दिए हैं माम मई मम, तो अम्मा मई सिन्यती। फिर है सा ब्लैंक भोजनम पचती, वह भोजन पकाती है। तो भोजन को किसको पका रही है, भोजन को, यहाँ द्वितीय विभक्ति लग रही है, इसमें क्या हो जाएगा, मयम, सा मयम, वह मेरे लिए क्या करती है, भोजनम पचती, मयम मेरे लिए भोजन पकाती है। ठीक, फिर सा ब्लैंक रक्षति, वह मेरी रक्षा करती है। तो क्या आएगा, सा माम रक्षति, वह मेरी रक्षा करती है। सा ब्लैंक सह भ्रमति, वह मेरे साथ घूमती है, भ्रमण करती है। यहाँ जाएगा मया, मेरे साथ। नेक्स्ट, सा ब्लैंक दूरम न गच्छति, वह मत, वह मेरे से दूर नहीं होती है। सा मत दूरम न गच्छति, वह मुझसे दूर नहीं होती है। ठीक, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया है, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। तो हेल्प बॉक्स से फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड्स, हेल्प बॉक्स से मंजूषा से हमें सही शब्द लेने हैं। किम त्वम ब्लैंक पश्यसि, क्या तुम देखते हो, किसको, इसमें वायुयान आया है शब्द, तो वायुयान को यहां पर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स। प्रश्न नंबर सिक्स में देखिए, हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, किम त्वम वायुयानम पश्यसि, यहां पर क्या आएगा, वायुयानम। ठीक है, सेकंड, क्या तुम वायुयान को देखते हो, तो यहाँ वायुयानम, वायुयान को। नेक्स्ट है, वायुयानम आकाशे उत्पत्ति, आकाशे उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उड़ना, आकाश में क्या उड़ रहा है, वायुयान। तो इसमें क्या करेंगे, वायुयानम आकाशे उत्पत्ति, यहाँ पर लिख देंगे हम वायुयानम, वही शब्द रिपीट हो रहा है, दो बार आ रहा है वायुयानम। फर्स्ट में था किं त्वं वायुयानम पश्यसि, क्या तुम वायुयान को देखते हो, अब त्वं के साथ क्या लगा है, पश्य धातु, पश्य का मतलब देखना, तो रूप कैसे चलेगा, पश्यति पश्यते पश्यन्ति पश्यसि, अब तुम आया है तो तुम के साथ क्या लगा, पश्यसि, क्या तुम वायुयान देखते हो। सेकंड में आ गया ब्लैंक आकाशे उत्पत्ति, आकाश में उड़ रहा है क्या, वायुयानम, वायुयान है वो आकाश में उड़ रहा है। नेक्स्ट, अहम ब्लैंक यात्रां करोमि, मैं
खालिस्तान से यात्रा करता हूँ। किससे? वायुयानेन। वायुयान से, हवाई जहाज से यात्रा करता हूँ, एरोप्लेन से। तो ये क्या हो जाएगा? अहम वायुयानेन। यात्राम करोमि, मैं वायुयान से यात्रा करता हूँ। ब्लैंक, आगमनस्य समय निश्चितः भवति। किसके आने का समय निश्चित होता है? कोई भी गाड़ी है, ट्रेन है, सभी का टाइम निश्चित होता है। तो यहाँ वायुयान का जिक्र आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा? वायुयानस्य आगमनस्य समय निश्चितः भवति, वायुयान के आने का समय निश्चित होता है। तो हम क्या करेंगे? वायुयानस्य वायुयान के आने का समय निश्चित होता है। ब्लैंक, भोजनस्य प्रबंधः भवति, भोजन का प्रबंध कहाँ होता है? वायुयाने, वायुयान में सब चीज़ का प्रबंध रहता है, तो वहाँ भोजन का भी प्रबंध रहता है, क्योंकि हम नीचे नहीं उतर सकते बीच में रास्ते में। तो इसमें क्या कहा है? वायुयाने भोजनस्य प्रबंधः भवति, वायुयान में भोजन का प्रबंध भी होता है। तो यहाँ पर फिर तुम्हें क्या रहेगा? वायुयाने, वायुयाने भोजन भोजनस्य प्रबंधः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येकं वर्गात् पदानि चित्वा वाक्यानि रच्यत। तीन कॉलम बना दिए, पहले भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाए गए हैं, कै वर्ग, खै वर्ग, गै वर्ग। तो इसमें दिया है, तीन कॉलम बने हुए हैं, एक एक वर्ड हमें वहां से शब्द लेना है, और इस तरह से हमें प्रत्येक वर्ग से पद चयन कर वाक्य रचना करनी है। एक एक शब्द लेकर हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है, वाक्य की रचना करनी। तो कै वर्ग, खै वर्ग और गै वर्ग। अब देखो बुक में दिया है, अग्रजा माम पाठ्यति। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस बन गया, अग्रजा जो बड़ी बहन है वह मुझे पढ़ाती है, अग्रजा माम पाठ्यति, एक सेंटेंस बन गया। ऐसे ही देखो, अब आप क्या लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें एक एक शब्द लेकर और सेंटेंस बनाना है, तो मैं सीधे यहाँ सेंटेंस बना रही हूँ। आप अपने बुक से वो वर्ड लेंगे, उनमें नंबर निकालेंगे और फिर सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? तीन कॉलम है, कै वर्ग, खै वर्ग और गै वर्ग। वहाँ से एक एक शब्द लेकर हमें वाक्य की रचना करनी है, वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट इसमें बना हुआ है, अग्रजा माम पाठ्यति। इसका मतलब क्या होगा? अग्रजा जो बड़ी बहन है वह मुझे पढ़ाती है। अब आगे इसका फर्स्ट देखो, तो यहां से हम लेंगे सा, प्रश्न नंबर 7 का फर्स्ट सेंटेंस आप बनाएंगे। इस फर्स्ट कॉलम से हम शब्द लेंगे सा वह, सेकंड से हम शब्द लेंगे मधुरम, सा मधुरम, वह मधुर गाती है। तो गाने के साथ क्या लगेगा? सा के साथ, सह के साथ, सा के साथ क्या लगेगा? गाय धातु, गा गई धातु, गाना। सा मधुरम गायती, वह मधुर गाती है, ठीक। एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से इनके सेंटेंस बनाने हैं, मातुल है, फिर सेकंड में से हम लेंगे दिल्ली नगरे, फिर थर्ड में से लेंगे वस्ती, मातुल है दिल्ली नगरे वस्ती। इसका मतलब क्या होगा? मातुल का मतलब मामा जी, मामा कहाँ रहते हैं? दिल्ली नगर, मातुल है दिल्ली नगरे, दिल्ली नगर। अब यहाँ वस्ती, मामा जी दिल्ली नगर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं मामा जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मित्राणि उपहारान आनन्ति, जो मित्र हैं मित्रों के द्वारा क्या लाया जाता है? उपहार लाया जाता है, मित्र उपहार लाते हैं। मित्राणि
अपॉन आई एम टी मित्र हैं वो उपहार लाते हैं। फोर्थ वयम पादाभ्याम हम पैरों से क्या करते हैं घूमते हैं चलते हैं भाई चलने का काम किससे होगा पैरों से तो वयम पादाभ्याम भ्रमामहे वयम पादाभ्याम हम सब पैरों से भ्रमण करते हैं घूमते हैं। फिफ्थ क्या होगा अहम खेलितुम वांछामि अहम खेलितुम वांछामि मैं खेलना चाहता हूँ मैं खेलना चाहता इस तरह से ये हमारे सेंटेंस बन गए। हमें अलग अलग कॉलम से लेकर ये शब्द एक एक शब्द लेकर हमने इस तरह से वाक्यों का निर्माण कर दिया वाक्य की रचना कर दी। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन संस्कृतेन अनुवादम कुरु कि हमें क्या करना है संस्कृत में अनुवाद करना वाक्य बनाने लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तो वाक्य कैसे बनाते हैं हिंदी से संस्कृत संस्कृत से हिंदी ठीक है तो इसमें हिंदी दे रखी है हमें संस्कृत के वाक्य बनाने देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा हमारा सेंटेंस क्या है वाक्य हिंदी का वो देखें वह मेरी सहायता करता है तो वह की संस्कृत क्या होगी सह वह मेरी सहायता करता है सह मम सहायता करोति वह प्रश्न नंबर 1 इसका फर्स्ट सेंटेंस है वह की संस्कृत हो जाएगी सह मेरी मम वह मेरी सहायता करता है सहायताम अब क्या होगा करोति वह के साथ सह करोति वह मेरी सहायता करता है सेकंड मैं कविता लिखना चाहता हूं सेकंड क्या है मैं कविता लिखना चाहता हूं अहम कविताम मैं अहम कविताम कविता अहम कविताम लेखितुम वांछामि लेखितुम वांछामि मैं कविता लिखना चाहता हूँ अहम कविताम लेखितुम वांछामि थर्ड क्या तुम वहां जाना चाहते हो क्या तुम वहां जाना चाहते हो तो किम तुम क्या तुम किम तुम वहां तत्र किम तुम तत्र गंतुम वांछसि क्या है गंतुम जाना चाहते हो वांछसि अब यहां क्या लगाएंगे हम प्रश्न मार्क क्योंकि प्रश्न पूछा है क्या तुम वहां जाना चाहते हो किम तुम तत्र गंतुम वांछसि मित्र मित्रों के साथ खेलते हैं भाई एक मित्र है दूसरे मित्र के साथ खेलेगा तो मित्राणि मित्रैः सह खेलन्ति मित्राणि मित्रैः सह
सह खेलेंगे। मित्र मित्र के साथ खेलना चाहता है। यह पुस्तक किसके लिए है? एतत् पुस्तकम्। यह पुस्तक किसके लिए है? यह भी एतत्। एतत् पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् यह पुस्तक कस्मै अस्ति? यह पुस्तक किसके लिए है? पिता मुझे स्नेह करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? पिता मुझे मई सिन्यति। पिता मई सिन्यति। पिता मुझे स्नेह करते हैं। ठीक है, अब इसमें हो गया स्नेह। स्नेह करते हैं तो पिता मुझे स्नेह करते हैं, पिता मई सिन्यति। इस तरह से ये आज हमारा चैप्टर 15 का जो अभ्यास कार्य एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद करेंगे।